तथा ज्ञानियों में महाज्ञानी है, आपके प्रेम पूर्वक आग्रह को हम कैसे कर आप सबको हमारा अभिनंदन। जी, प्रतिवर्ष हम लोग दशहरा की छुट्टियों से पहले अपने विद्यालय में रामायण के राम कथा का प्रस्तुतिकरण करवाते हैं बच्चों से, और इस वर्ष भी हमारे बच्चों ने बहुत ही सुंदर मनमोहक रामायण की प्रस्तुति दिया है। और आज के बाद हमारे विद्यालय में 5 दिन के लिए जो है दशहरा का अवकाश दिया गया है। और इस तरह के आयोजन हम लोग इसलिए करते हैं कि बच्चों में शिक्षा के साथ साथ उनको अपने संस्कृति का भी ज्ञान हो, और रामायण जो है वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के उत्तम चरित्र का वर्णन है, जिससे अगर बच्चे उसकी कुछ लाइनों को भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से उनका जीवन उत्तम जीवन होगा और बच्चे देश के एक समझदार और जिम्मेदार अच्छे नागरिक बनेंगे। तो इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि हम लोग हर त्यौहार के पहले ये कोशिश करते हैं कि बच्चों को उस त्यौहार के बारे में बताएं, उससे संबंधित कुछ आयोजन करवाएं, इससे बच्चों को अपने त्यौहारों के बारे में ज्ञान हो, उसी प्रकार दशहरा क्यों मनाया जाता है, दशहरे की छुट्टियाँ क्यों होती है, इन बातों को बच्चों को समझाने के लिए बताने के लिए हम लोग रामायण का अच्छा आयोजन विद्यालय में करवाते हैं और बच्चों को यह ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। आप विद्यालय की प्रबंधिका आज मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई थी, आपको इस कार्यक्रम को देखने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत सुंदर, हर कार्यक्रम मुझे बहुत सुंदर लगा, हर पात्र बड़े अच्छे थे अपने, और रामायण स्कूल में जरूरी भी है क्योंकि बच्चा यहाँ से प्रोग्रेस करता है अपने जीवन के लिए, तो राम का आदर्श उनको बताना जरूरी है। राम का आदर्श जो व्यवहार जीवन को अपने जीने के लिए जो है वो जरूरी है, हर बच्चा हर लड़की जो है अपने अंदर उतारेंगे उस चीज़ को तो हमारा देश बढ़िया होगा। धन्यवाद।